अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राबिया सिद्दीक सीएच। तो आप लोग को मेरे नए ब्लॉग में वेलकम है। तो आज की वीडियो में मैं करने लगी हूँ कुछ आर्ट ब्लॉग बनाऊंगी मैं। सिंपल सा कोई चैलेंज नहीं है, मैं आर्ट करूंगी। मेरा वाटर कलर करने का दिल कर रहा है पेंटिंग, या तो मेरा दिल कर रहा है स्केचिंग करने का। तो ऊपर मैं अपने स्टूडियो से लूँगी अब चीज़ें थोड़ी बहुत और फिर नीचे चलते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं हम बैठ सकते, ऊपर बहुत गर्मी है। तो इसलिए नीचे चलते हैं और फिर जाके अपना जो है आर्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चीज़ें दिखाती हूँ मैं कौन कौन से पिक करूँगी और फिर नीचे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं आज का ब्लॉग छत से शुरू कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को वेदर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बाहर जो है शाम का वक्त है इस वक्त, और सनसेट आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये भी। और सेकेंड आप लोग को मैं बाहर से भी दिखा देती हूँ, बाहर काफ़ी लोग मतलब रश, बाहर भी ना काफ़ी ज़्यादा भी रश है, मतलब छुट्टी होती है लोगों को। तो इस टाइम छुट्टी होती है ना, जब शाम का टाइम जो होता है लोगों को ऑफिस से छुट्टी होती है, तो वो वाला टाइम है। तो अभी हम बस चलते हैं नीचे और अपनी चीज़ें पिक कर। तो अभी यहाँ का तो बहुत ही बेरा गरा के चीज़ें भी मेरी कुछ हद तक उतर गई हुई हैं। तो यहाँ से मुझे वाटर कलर लेने हैं, मेरे पास वाटर कलर ये वाले हैं। देखा मैंने कितनी ज़्यादा चीज़ें नीचे भी फेंकी हैं, गर्मी यार बहुत होती है, यहाँ बंदा बैठ भी नहीं सकता। तो वाटर कलर मेरे पास ये हैं, इसके अलावा रेजर शॉर्पनर भी जो चाहिए, मैंने स्केचिंग का भी सोचा है ब्रश रहने देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रश है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इधर से ना रेज़र और एक शॉर्पनर ले लेते, वरना रेज़र शॉर्पनर नीचे भी पड़ा है तो हम नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये वाले रेज़र शॉर्पनर में भी मट्टी बहुत है ना। और मेरे पास पेंसिल का इधर बॉक्स था, मुझे पेंसिल भी चाहिए, हम कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कलर्स भी ले जाते हैं, देखते हैं आज हम करते क्या हैं। मेरे पास ना इधर पेंसिल का डब्बा पड़ा हुआ था ये रहा, अब इधर से एक पेंसिल न्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों के बाद दिल कर रहा करने का, तो मैं चाहती हूँ न्यू पेंसिल यूज़ करें। इसके पीछे रेज़र भी है ना। तो ये हमारी चीज़ें हो गई कुछ, और अब स्केच बुक जो है मेरी सही वाली नीचे पड़ी है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर भी स्केच बुक पड़ी हुई है, दो हैं यहाँ पर स्केच बुक, और एक सबसे बड़ी है नीचे पड़ी, बड़ी वाली पर तो अभी मैं कुछ नहीं करती। स्केच बुक तो यहाँ भी है, लेकिन नीचे वाली जो पड़ी है ना आजकल मैं वो यूज़ कर रही हूँ, तो वो लेते हैं। इस वक्त ना ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना, मुझसे ना यहाँ पर भी लिटरली नहीं बैठा जा रहा, यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ से मतलब सूरज जो है वो सामने ही होता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पर भी बैठना ना बहुत मुश्किल है। खिड़की से कुछ ना ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कुछ ना कुछ नज़र आ ही रहा होता है। तो यहाँ पर भी गर्मी बहुत होती है, यहाँ तो बंदा बिल्कुल नहीं बैठ सकता। मेरे ना पसीने आने लगे, मैं नहा के आई थी, गर्मी से बचने के लिए बंदा बार बार नहाता है और फिर पसीना इतना आ जाता है। तो अब बस मैंने चीज़ें अपनी यहाँ वाली सिलेक्ट कर ली हैं, अब नीचे जाते हैं स्केच बुक पकड़ते हैं और सीधा सबसे नीचे जाते हैं और अपना ना काम शुरू करते हैं। अभी ये वाली चीज़ें मैं पकड़ती हूँ और बस अब हम नीचे चलते हैं, ये दरवाज़ा लॉक करते हैं और छत वाला भी ना दरवाज़ा लॉक करते हैं। तो मेरी अभी नज़र इधर पड़ी है, ये मेरे पास एक बुक पड़ी है, इस पर भी यार कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ना इस पर बनाए हैं, पर किसी बच्चे ने पकड़ के मेरे इसके सारे पेज ज़ाया कर दिए थे। मेरे घर में बच्चे बहुत आते हैं ना यार, और बच्चों को डर भी नहीं है मेरा, तो इसलिए अब डर रहेगा। वैसे मेरी बहुत चीज़ें बच्चों ने ख़राब की हैं, अभी तो ये कुछ भी इसमें पेज खाली नहीं है, तो हम ये नहीं ले सकते। अब मैं न्यू ऑर्डर करूँगी फिर यूज़ करेंगे, तो ये लेते हैं और चलते हैं नीचे। तो अभी मैंने अपनी स्केचिंग भी ले ली है, स्केच बुक मतलब, और ये जो मेरे मतलब स्केच करने वाले ये कॉटन टाइप पेन जो है वो भी मैंने ले लिए, ये दो चीज़ें। एंड तो अभी यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट स्केचिंग कह रही हूँ, वाटर कलर पेंटिंग जो है डन कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी मुझे, मतलब काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी थी, और बाकी भी सबको घर में बहुत ज़्यादा ये वाली स्केचिंग अच्छी, और मैं स्केचिंग बार बार बोल रही हूँ, ये वाटर कलर पेंटिंग अच्छी लगी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। और दूसरी बात ये कि ये करते करते इतना ज़्यादा गंद डल गया था, वो गंद मैंने उधर ही रहती, और सेकंड मैंने सोचा कि एक और कोई सर्च करते हैं और निकालते हैं, और सेकंड पे मैंने ये गंद बनाया था, ये बहुत ही गंदा बना। ये मैं ट्राई कर रही थी अपने से कोई चीज़ बनाने की, पर फिर भी इतनी ज़्यादा खास नहीं बनी। तो आगे मैंने एक और थर्ड बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब आप लोग पेंटिंग इन्जॉय करें। अब ये वाली डन हो चुकी है और थर्ड वाली की तरफ मैं आऊँगी। थर्ड वाले का सबसे पहले मैंने स्केच बना लिया था, उसके बाद मैंने इसमें वाटर कलर पेंटिंग जो है वो करना शुरू कर दी थी, और मैंने अलग अलग तरह के इतने ज़्यादा कलर्स इसमें ऐड किए थे, और एंड पे इसके ज़्यादा इसको नीट करने के लिए मैंने इसके बॉर्डर को पॉइंटर से ना ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट कर दिया था, ताकि वो अच्छे लगे और नीट लगे, और आगे आप लोग प्रोसेस सारा इन्जॉय करें। Thank you.
तो अब अगर आप लोग देखिए ये टोटली डन हो चुकी है। एक मैंने ये अच्छी बनाई थी और सेकंड मैंने ये बर्ड वाली, दोनों ही वैसे बर्ड वाली थी, वो लव बर्ड थे और ये सिंगल बर्ड था, अकेला मतलब शदीद सिंगल बर्ड था ये। तो ये मेरी आज की स्केचिंग थी, कुछ अच्छी लगी है तो इसीलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ स्केचिंग बंद करके, अब मैं खेलूँगी अपनी गेम और गेम को इन्जॉय करूँगी। तो जब से मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं मेरा फर्स्ट और लास्ट वर्क यही होता है कि मैं पबजी खेलती हूँ। जब भी देखो मैं पबजी खेल रही होती हूँ, तो अभी भी मैं पबजी खेलने लगी हूँ, ये मेरी फेवरेट है। मुझे गुस्सा आए तो मेरा गुस्सा जो है ना ख़त्म कर देती है ये गेम, इतनी मेरी फेवरेट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, जैसे मैं पबजी खेलती हूँ मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो ये बस वजह मेरी यहाँ से आईडी दिख लगी, इसलिए बस मैं आप लोग को बाद में मिलती हूँ पबजी खेलने के बाद। तो अभी आर्ट सारी कंप्लीट करके मैं इधर आके लेट गई, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हुई हूँ। तो मैंने 3 आर्ट बनाई थी जिसमें से 2 मेरी बहुत ही अच्छी बनी और 1 मेरी ना बेकार बनी। वो वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होने लग गई है, वैसे ही हो रहा है जैसे मुझे पहले हो रहा था। तो अब बस मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।